हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले मैंने आप सभी को लैट्रीन फ्लश सिस्टम के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को लैट्रीन सीट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर लैट्रीन सीट नहीं होगा तो लैट्रीन फ्लश सिस्टम का आप लोग क्या करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस, दो कंपनी है, पहला है पेरिवेयर और दूसरा है सेरा कंपनी का। इन दोनों का आपको जो फ्लश टैंक आता है वो मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैंने आप सभी को ऑलरेडी इस वीडियो पे बताया हुआ है। इसमें प्राइस भी बताया है और सारी डिटेल्स आप सभी को इसमें बताई हुई है, तो जाकर इसको एक बार देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम लोग जानते हैं कि पेरिवेयर और सेरा में अगर आप 23 इंची लेते हो या उससे कम के साइज़ का लेते हो तो कितने का प्राइस मिलेगा। देखो यार, एक चीज़ मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये कि देखो, जो साइज आप लैट्रीन सीट में लेते हो उसका जो प्राइस होता है उसमें कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं होता है। जैसे कि अगर आप पेरिवेयर का लेते हो, 23 इंची का लेते हो या फिर 20 इंची का लेते हो, अगर पेरिवेयर, वहाँ पर आपको 1400 रुपये या 1300 से लेके 1500 या 1400 रुपये तक मिल सकता है। पेरिवेयर कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें साइज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, क्योंकि 2-3 इंच का फ़र्क है। इसमें आपको कोई बहुत 500 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 या 50 रुपये का भी फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, अगर वो आपको नहीं जानना है या उसका जो मार्जिन रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रेंज वाइज प्राइस आपको ज़्यादा लगना पड़ सकता है। अब जो भी आप साइज़ लेना चाहते हो वो आप लियो। पेरिवेयर में आपको 1350 रुपये से लेके 1400, 1450 या 1500 रुपये तक आपको आराम से। वैसे 1500 तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया आज के टाइम पर, वैसे भी प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा हुआ कि वो 1500 तक पहुंच जाए। तो आप इतना मान के चलो कि 1400 के अंदर आपको पेरिवेयर का लैट्रीन सीट मिल जाने वाला है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं सेरा कंपनी का, और सेरा कंपनी का प्राइस थोड़ा सा इस टाइम जो प्राइस इसका वो बढ़ा हुआ है, यानी कि अगर आप 23 इंची का या 20 इंची का लेते हो तो वो आपको लगभग 1600 से लेके 1700 या कम से कम की मैं बात करूँ तो 1550 रुपये तक आपको मिल सकता है। उससे कम शायद ही कोई आपको दे दे। तो अगर मिल रहा है आपको 1500 या 1450 तक तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है उसका पुराना स्टॉक हो, और अगर नहीं मिल रहा है तो इसी रेट पर मिलेगा, इससे ज़्यादा अगर कोई मांग रहा है तो आप दूसरे दुकान पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लैट्रीन सीट में आती है वो ये है, इसके साथ जो मुर्गा, ये वाला नहीं, जो ये वाला मुर्गा होता है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो लैट्रीन सीट में आप लोग लगाते हैं। देखो, मुर्गा आज के टाइम पर लोग अधिकतर तो सारी चीज़ें प्लास्टिक पे जा रही है, और लोग मुर्गा हो चाहे कुछ भी हो वो प्लास्टिक का ही अधिकतर लगवाते हैं। और प्लास्टिक ऐसा नहीं कि वो टूट जाता है, फूट जाता है, कुछ भी होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है, लेकिन ये आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लो, मेरा काम है आपको बताना। तो दो मुर्गा आपको मिल सकते हैं मार्केट में आज के डेट पे, वो है पहला जो मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का बन के आता है, कुछ इस टाइप का होता है, और जो प्लास्टिक का आता है वो इस टाइप का होता है। तो इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हो। अगर आप चिकनी मिट्टी की तरफ जाते हो तो छोटा बड़ा दो आता है, अगर आप लेते हो तो लगभग चिकनी मिट्टी वाला तो आपको लगभग 150 से 200 रुपये तक आराम से मिल जाएगा, और अगर आप प्लास्टिक की तरफ जाते हो तो वो आपके क्वालिटी, यानी प्लास्टिक के क्वालिटी के ऊपर उसको प्राइस डिपेंड करता है। जैसे कि आप जागरण या TSC कंपनी का लेते हो जो हैवी वाला, देखो जागरण भी दो टाइप का बनाता है, हल्का और भारी। अगर आप भारी वाला लेते हो TSC का या फिर जागरण का, तो लगभग आपको 200 से 300 रुपये तक मिल जाएगा मुर्गा, और अगर आप हल्का लेते हो तो वो भी आराम से आपको 150 से 200 रुपये तक मिल जाएगा। एक सबसे बड़ा डाउट जो कस्टमर के ऊपर होता है मुर्गा को लेकर, कि इसका कोई कंपनी आता है चिकनी मिट्टी के ऊपर, तो एक बात मैं आप सभी को यहाँ क्लियर कर दूँ इसको भी, कि मिट्टी में जो मिट्टी वाला मुर्गा आता है उसमें कोई खास कंपनी नहीं होती, और कोई भी इसकी, अगर आप कोई ब्रांड आपको कहकर दे रहा है कि पेरिवेयर का, सेरा का है, या किसी भी अनदर कंपनी का है, 400 का है, 500 का है, तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मुर्गा जो होता है वो कोई भी ज़्यादा कंपनी नहीं बनाती, वो मेन फोकस उनका लैट्रीन सीट पर ही होता है। आप बड़ी बड़ी कंपनी की तरफ जा रहे हो, जॉनसन और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, तो शायद आपको उसकी मिल जाए, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि ज़्यादातर एरिया में, अपने इंडिया में जो मुर्गा होता है उसकी जो कंपनी होती है वो नहीं बनती है, वो साधारण नॉर्मल कंपनी होती है जो बनाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो भी कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, किसी भी टॉपिक पर वीडियो अच्छा नहीं लगा, या कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, बात करनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।